मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर अयोध्या जनपद के दौरे पर रहे, जहां अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रैल माह में एक्सप्रेसवे के लोकार्पण किया जा सकता है। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के इदिलपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2 का निरीक्षण किया। इस बीच गोमती नदी पर सेतु निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया। वहीं इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि मैं कल भी अयोध्या की धरती पर था और आज भी हूँ। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तय समय से पहले यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है। कोविड-19 के कारण काफी दिनों तक कार्य बाधित रहा, फिर भी हमने कोरोना से मुकाबला करते हुए परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में कोताही नहीं बरती। आशा है कि आने वाले 2 से 2.5 माह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होगा। इससे लखनऊ दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। यह पूर्वांचल के विकास की रीढ़ की हड्डी साबित होगा। इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस तरह की सड़कें दिल्ली और मुंबई में देखने को मिलती हैं, जो अब गांव के लोगों को भी देखने को मिल रही हैं। दरअसल एक्सप्रेसवे 2 लखनऊ से गाजीपुर से बिहार राज्य को जोड़ रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। यह परियोजना माह अक्टूबर वर्ष 2018 में शुरू हुई, जो 31 मार्च 2022 तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य था। तय समय से पहले ही कार्य पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है। यह यूपी 16 जिलों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। वहीं अयोध्या जनपद में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 5 किलोमीटर है, जिसमें 5 गांव आते हैं। इदिलपुर, घोड़बल, इमामगंज, पूरे लालखा, मेवापुर आते हैं। और अगले 2-2.5 महीनों के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा। अब अनुमान करिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ बनने जा रहा है, क्योंकि यह व्यापक निवेश की संभावनाओं को लेकर के आएगा। और निवेश का मतलब रोजगार, नौकरी। हमारा युवा जो आज नौकरी और रोजगार की तलाश में देश और दुनिया में भटकता है, बैठेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। उसको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी और रोजगार मिलेगा, और जब स्थानीय स्तर पर नौकरी और रोजगार उसे प्राप्त होगा, तो अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपनी बेहतर सेवा देने में सफल होगा। और अयोध्या के बाद अभी हमें 1-2 और जगह कार्यक्रम देख करके फिर हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे। ये एक्सप्रेसवे समय से तय समय सीमा से काफी पहले बन रहा है।